आज भारत आगे बढ़ा क्योंकि कांग्रेस ने गरीब, वंचित, दलित समुदायों की हजारों सालों की जंजीरें काटने का साहस दिखाया। गांधी जी ने राजनीति को सत्ता की परिक्रमा के रूप में नहीं देखा, बल्कि सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध, पुरुष प्रधान के विरोध जैसे विषयों को रोजमर्रा की राजनीति से जोड़ दिया। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए नेहरू जी ने अपनी पहली कैबिनेट में 14 में से 5 मंत्री गैर कांग्रेसी दलों के नेता थे। आज भारत आगे बढ़ा क्योंकि कांग्रेस ने गरीब, वंचित, दलित समुदायों की हजारों सालों की जंजीरें काटने का साहस दिखाया। आजादी को हर नागरिक तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया और उस दिशा में आगे बढ़ने की ईमानदारी के साथ कोशिश की। गांधी जी ने राजनीति को सत्ता की परिक्रमा के रूप में नहीं देखा, बल्कि सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध, पुरुष प्रधान के विरोध जैसे विषयों को रोजमर्रा की राजनीति से जोड़ दिया। गांधी जी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कामराज जैसे नेता सामने आए। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, राजकुमार अमृत कौर जैसी महिला नेताओं ने नाम घर घर पहुंच गए। आजादी के आंदोलन के दौरान की कांग्रेस ने कराची प्रस्ताव पास किया और संविधान की मूल आत्मा कैसी होगी ये तय कर दिया। यूं प्लानिंग कमेटी बनाकर आजाद भारत में विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। इसी तैयारी के कारण जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो बिखरा नहीं, बल्कि मजबूती से आगे ही बढ़ता गया, सबको साथ लेकर चलता गया। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए नेहरू जी ने अपनी पहली कैबिनेट में 14 में से 5 मंत्री गैर कांग्रेसी दलों के नेता थे। ये दर्शाता है सबको लेके चलने का एक उसूल।